हेलो एवरीवन, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जो लेफ्ट ओवर रेसिपीज के नाम से है। आपको ये मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपके किचन में जो भी खाना बच जाता है आप उसे रीकुक करके उसे बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। तो आज मैंने एक वेज रोल बनाया हुआ है जो टोटली लेफ्ट ओवर रेसिपी है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें और आप भी सीखें कि आप इस रोल को कैसे बनाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे फूड सफारी। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं लेफ्ट ओवर पराठे। तो ये बथुआ के पराठे हैं जो मैंने बनाए हुए थे। ये बच गए हुए थे तो मैंने इसको रीकुक किया हुआ है, इससे मैंने एक रोल तैयार किया हुआ है। तो इस रोल को बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो वेजीज चाहिए होंगी, मैंने लिए हुए हैं टमाटर, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, प्याज, पनीर। तो इन सबको हमने स्लाइसेस में, लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए हुए हैं। आप इसी तरीके से कट करें। और उसके बाद हम लेंगे एक पैन, पैन में हम ऐड करेंगे बटर। तो जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियां ऐड कर देंगे और उसे हम एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो आपके घर में जो भी खाना बच जाता है आप उसको इस तरीके से रीकुक करके उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। पनीर जो है वो हम एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो ज्यादा चलाएंगे तो ये टूट सकता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक और काली मिर्च पाउडर। हाई फ्लेम पे हम एक मिनट तक फ्राई करने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। ये रेडी है हमारा। नेक्स्ट होगा हमारा जो हमारे पराठे हैं, तो इनको हम दोबारा से सेक लेंगे। आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी सेक लो, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके दोबारा से सेक लो। तो इस तरीके से पराठे हमारे जो हैं हम सेक लेंगे। पराठे सेक गए हुए हैं, तो अब फाइनल टचअप जो है करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फन का सैंडविच स्प्रेड, एक एक चम्मच हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से पराठों के ऊपर हम फैला लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये ली हुई है हमने पत्ता गोभी, तो इसे अभी हमने कट नहीं किया हुआ है, इसके पत्ते हम निकालेंगे। और पत्ते निकालने के बाद हम इसे ऐड करेंगे। तो आप हाफ पोर्शन में इसे रखें और इसके बाद जो वेजीज आपने अभी आप इन्हें इसके ऊपर रख देंगे। तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपका पराठा कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप सब्जी ऐड करें। देन इसके ऊपर हम टमाटो सॉस ऐड करेंगे, मेयोनीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे। और इसके बाद हम इस पे कैबेज की कुछ स्लाइसेस जो है वो हमने कट कर ली हुई थी उसे भी ऐड करेंगे। और पनीर को भी हम इस तरीके से कद्दूकस करते हुए इस पे ऐड करेंगे। तो जो इसकी स्टफिंग है ये रेडी हो चुकी है, और अब हम हल्के हाथों से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर लें इसे। तो आपके पास घर में टूथपिक होगा तो आप इस टूथपिक को इस तरीके से ऐड करें और इसे फोल्ड कर लें टूथपिक की हेल्प से। जिससे क्या होगा, ये इधर उधर निकलेगा नहीं, इसका मटेरियल आपने फिल किया हुआ है। और टिश्यू पेपर को लें, एक साइड से कवर कर लें। तो ये जो रोल है ये रेडी हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम सारे रोल बना लेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो रोल हमारे हैं वो रेडी हो चुके हैं और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे डिप लिया हुआ है और सालसा लिया हुआ है।
आप इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। चैनल से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। सो गाइज, ये जो सीरीज मैंने बनाई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग AJ फूड सफारी।